इतना भी आप बहुत ही आप गरीब के साथ हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे बेटा। मेरी दुआ है, मैं नमाज पढ़ के दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और लोगों को फरोज करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही हम और लोगों की मदद कर सकें। कितने बच्चे हैं? मेरी 6 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। 6 बेटियां माशाल्लाह। तो बेटियां जो हो सके वो करती हैं, यानी घर बना के आपको दे देती हैं कि पापा आप जाएं और ये बेचें? मैं सेल करता हूं, फिर वो ना कढ़ाई का काम करती हैं। अच्छा, यानी उनके पास में जो है वो करती हैं घर में बैठे। तो बेटियां कम होती हैं किसी से? हमने जी वो भी बेटे वाला ही रूप। हाँ जी बिल्कुल, सहारा तो बेटियां भी बनती हैं फिर। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कितने पीस हैं आपके पास? ये मेरे पास कोई 17-18 पीस है बेटा। 17-18 पीस है। तो एक कितने का है? ये 100 रुपए का सेल कर रहे हैं। अच्छा, 100 का सेल कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कहाँ से आते हैं आप? बेटा मैं इधर से ना यूसुफ नगर से आता हूँ। अच्छा, इधर से बंद की साइड में। तो फिर रिक्शे में आते हैं? हाँ रिक्शे में आते हैं। मेरा लग जाता है तकरीबन 150 रुपया। 150 किराया लग जाता है। तो फिर रोज की कितनी सेल हो जाती है? ये 12-13-14 बिक जाते हैं। 12-13-14। तो फिर रोज का खर्चा गुजारा हो जाता है? बस बेटा दे लो मजबूरी है, कोई घट खा लेते हैं, कभी ज्यादा खा लेते हैं, ऐसे गुजारा। यानी सेल ज्यादा हो गई तो खाना पीना हो गया? नहीं, दो टाइम खा लेते हैं, सुबह खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं। और सेल कम हुई तो एक टाइम का खा लेते हैं, फिर एक टाइम का खा लेते हैं। तो चलें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे। तो अल्लाह पाक ने भेजा है हमें आपके पास, तो ये कुछ पैसे अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए हैं। तो तफीक देवे तेरा नहीं, नेकी करन दे बेटा, अल्लाह ताला तुहानू अज़र दे आइए। चलो गरीब आदमी, चलो बच्चे वाले अल्लाह ताला ले। आमीन। बस आप मेहनत करते हैं, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से मेहनत का आपके लिए छोटा सा सिला था। तो ऐसी मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तफीक दवे तेरे माए बाप नु हाजिर करा दे गरीब की मदद। आमीन। बस आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तुहानू बेबा खुदा दी दात और नेकी करन दी तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। बस हमारा मकसद यही होता है हम लोगों के लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा कर सके। हमारी औकात तो कुछ नहीं, अल्लाह पाक बस हमें भेजता है बेटा। इतना भी आप बहुत ही आप गरीब के साथ हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे बेटा। मेरी दुआ है, मैं नमाज पढ़ के दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और लोगों को फरोज करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही हम और लोगों की मदद कर सकें। तो बस अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। तो आपके जज्बे के, आपकी मेहनत के, ये कुछ बेटा मांगना नहीं पड़ता बेटा, इसलिए बिल्कुल 100 रुपए में सेल कर लेता हूं। मांग लेते हैं खड़े होके, मांग लेते हैं, लेकिन आपने मेहनत हो की। कोई नहीं भी लेता तो मैं कह लेता बेटा मैंने बच्चों के लिए खाना लेना, ले लो एक, ले लो दो, ले लो। तो देखिए ना, हमें लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जो लोग इतनी मेहनत से बना के बेच रहे हैं उनसे एक ले लें, दो ले लें, नहीं भी लेने, नहीं भी चाहिए तो वैसी मदद कर दें। बेटा वो ले लेंगे ना, फिर इंसान और कोई काम नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता। बिल्कुल पता है कि चलिए तो सिर रोजी मिल जाती। बिल्कुल ऐसी है, देखिए ना, मांगने का फिर वो होता नहीं है कि आपकी सेल हो जाए, आपको पैसे मिल जाए। बेटा मैं खुश होकर घर चला जाता। बिल्कुल, तो देखिए ना, हमें जो भी देखेगा वो उनके लिए ये लेसन है, उनके लिए ये हम मैसेज है कि आप ऐसे लोगों से कुछ खरीद लिया करें, एक दो नहीं भी खरीदना, वैसे दे दिया करें ताकि उनका सर्कल चलता रहे, उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।